बट्टे खाते में डालने की मतलब जब हम आपसे नहीं सही बात। फिर एनसीएलटी एक बना दिया गया कि आप हजारों करोड़ रुपए लेकर के बाद में कहिए कि अब हम दिवालिया हो गए हैं, और बैंक से नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे आदमी को जिसकी हैसियत नहीं थी चुकाने की, आपने इनको क्यों पैसा दे दिया। हमसे 10 बार पूछता है बैंक कि आपकी हैसियत क्या है, ये कागज लाइए वो कागज लाइए, और 10 बार दौड़ाता है। लेकिन ये बड़े आदमियों के लिए फोन आता, उसको अपनी नौकरी बचानी, वो कहता है देने तो क्या करना है। और अभी जो आंकड़े बताते हैं कि 11-12 लाख करोड़ रुपए ढंग से माफ किया जा चुका है, और तमाम लाखों करोड़ रुपए टैक्स में भी छूट दी जा चुकी है। ये हमारे यहाँ नहीं, जहाँ एक कम्युनिस्ट शासन है चीन में, वहां भी ये हो रहा है, रूस में भी हो रहा है। तो अब जो राजनीति है वो पैसे वालों की सुविधा से चलती है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पैसे वालों की सुविधा के लिए ही राजनीति होती है, या उनके इर्द गिर्द ही सरकारें चलती हैं, और इसीलिए अब एक सरकार चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। इसीलिए देखिए, चाहे चाइना में देखिए, चाहे रूस में देखिए, जो हमारी चाहे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां भी क्या हो रहा, वहां भी पैसे वाले, चाहे वो ठीक है कि वो क्या कहते हैं, अगर जरा सरकार नाराज होगी तो ली मा क्या नाम था उनका, उनका कई महीने पता नहीं चला, जिन्होंने कहा कि बैंक कुछ ज्यादा ही कुछ रोक लगा रहे हैं, तो सरकार ने कहा अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, चलो तो पता चला कई महीने जेल में रहे, क्या रहा, अब फिर कुछ बोलने बालने लग गए। हमारा चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको भी पता होगा कि वहां जो प्रेसिडेंट है वो कॉर्पोरेट इलेक्ट करता है। अब कॉर्पोरेट इलेक्ट करता है, और अब पिछले रोनाल्ड रीगन तो खुद बहुत बड़े अरबपति है। एग्जैक्टली, तो खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं, रीगन नहीं, अभी जो ट्रंप, ट्रंप तो खुद वहां के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। बाइडेन हमारे यहाँ, हाँ बाइडेन, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट बिजनेसमैन नेता नहीं बन सकता, मतलब कम से कम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, नितिन गडकरी सुनते हैं बिजनेसमैन है, निके एक मंत्री बने हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री वही बनेगा जो चाय बेचता हो, जिसके पास धोती पहनने के पैसे न हो, दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने क्लियर है क्या है। तो इसीलिए एक नया सिस्टम बना कि अपने दोस्तों को इतना पैसा कमवा दो। हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि 800 900 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बांड में आ गए। आप हमको अजय ही बताइए, एक एक सरकार गिराने में 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार। महाराष्ट्र सरकार कितने करोड़ में गिरी, मतलब ऐसे ही 40 लोग रातों रात बंबई से गुजरात चले गए, गुजरात से फिर असम गए, मेघालय गए, कहाँ ध्यान नहीं आ रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।